हेलो ट्वेल्थीज, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होमोजीनियस का पार्ट है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक हमने क्या किया था, पहले बेसिक समझ लिया था होमोजीनियस क्या होता है, और उसके हमने दो क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के 9.5 एक्सरसाइज के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ना डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, जब मैं इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, फिर डी एक्स से नीचे डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आप क्लियरली देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है ना, क्योंकि एक्स और वाई की पावर तो वन है थ्रू आउट। तो हमें इसको शो करना अगर होगा तो याद होगा हमने कैसे किया था, शो करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, लेट अस से इट इज़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। हम मान लेते हैं ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। अब शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह के एक्स पुट करते हैं और y की जगह के y पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा के एक्स प्लस के वाई अपॉन में के एक्स माइनस के वाई, के कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर से और नीचे से भी के कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या देंगे कि भाई ये तो हमारा के कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फंक्शन वापस आ गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि होमोजीनियस में यही हमने पढ़ा था कि अगर एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई एफ ऑफ एक्स वाई आ जाता है तो यस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हमने शो कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि हम लेट करते हैं, लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई डी एक्स आ जाएगा वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन, फिर एक्स एज इट इज वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। अब हम ये पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो जब इक्वेशन पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट साइड पे आएगा एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। यादों को मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ से हमेशा ना x कॉमन लेके कट जाएगा, इधर कभी भी x नहीं बचेगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम इस v को उधर ले जाएंगे, सेम स्टेप चलते हैं। तो जैसे ही हम इस v को उधर ले गए और LCM ले लिया तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस वी, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये सेपरेटिंग द वेरिएबल बन जाती है, तो हमारे पास आगे सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, ये बन गया डी वी के साथ और इधर आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स। सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखें, तो मैंने क्या किया है इसको ना बेटा, मैं इसको अलग कर लेता हूँ, 1 प्लस वी स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है टैन इनवर्स होता है, माइनस ये हो गया वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ना इस वाले इंटीग्रल में नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वन प्लस वी स्क्वायर का वो होता है टू वी, तो वी तो हमारे पास है सिर्फ कांस्टेंट पर टू नहीं है, तो टू से मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब पहले पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ वी, दूसरे पार्ट का आंसर हो गया लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था बार बार ये रिवाइज भी करते हैं कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल हो तो उसका आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और इधर हो गया लॉग एक्स प्लस सी। लॉग सी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी टर्म लॉग में नहीं है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप होता है वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई को वी एक्स पुट किया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। v की वैल्यू पुट कर देंगे ना y बाई एक्स, तो ये बन जाएगा, आप चाहो तो एलसीएम ले लो नहीं तो ऐसे छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो होमोजीनियस तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बोर्ड्स के लिए, तो इसको तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड है ये। यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स टू एक्स वाई डी वाई। फोर्थ क्वेश्चन में
2x वाई डी वाई को मैं एफ डी साइड रखता हूँ, और उधर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से डी वाई का निकल जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। अब आप इसको होमोजेनियस प्रूफ तो कर ही लेंगे है ना, तो हम वो पार्ट तो अभी फॉर द टाइम स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वाई एक्स की फॉर्म में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो करना हो तो आपको पता है क्या करना है, हम यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यस इट इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस में क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो इसका जब डेरेटिव लेते हैं तो वी एज इट इज एक्स का डेरेटिव वन, फिर x एज इट इज v का dv by dx, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं v x dv by dx इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स इंटू वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे टू वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस वी को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी माइनस वी, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर में से टू वी स्क्वायर चला गया तो एक वी स्क्वायर रह गया, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और इसके बाद हो जाएगा सेपरेटिंग, सेपरेटिंग करेंगे तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा टू वी अपॉन आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस डी वी, और ये बन जाएगा माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। अब सेपरेट हो गया तो इंडिकेट कर देते हैं, तो देखिए कितना इजी है वाला पार्ट, तो क्योंकि या दोनों ही केस में नीचे वाले का डेटा ऊपर है वी, क्योंकि पहले वाले केस में यहाँ पे भी वी स्क्वायर प्लस वन का डेटा टू भी मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वी स्क्वायर प्लस वन, और राइट साइड पर आ जाएगा लॉग एक्स, क्योंकि सब कुछ लॉग है तो मैं इसको भी लॉग सी लिख देता हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे वी की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूँगा तो ये आ जाएगा, और उधर आ जाएगा सी बाय एक्स, क्योंकि इसको लिख देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी लॉग सी एक्स, और फिर लॉग से लॉग काट दिया, तो ये हमारा एक्स एक्स कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस एक बार आप अच्छी तरह कर लेना, बाकी अप्रोच सेम रहती है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं सबकी पावर टू है, टू टू दो वेरिएबल मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो टू और नीचे भी टू, तो ये होमोजेनियस तो है, और आपको शो करना होगा तो कैसे करोगे, हम वही कह देंगे कि भी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि के एक्स कॉमा के वाई पुट करने पे सेम फंक्शन आ गया, तो यस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने सीख लिया है तो बार बार शो करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बता देना आप, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट करेंगे लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स हो जाएगा वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन, फिर एक्स एज इट इज वी का डी वी बाई डी एक्स, और अब हम पुट कर देते हैं इसी क्वेश्चन में, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो सबसे कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा वन माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वी, अब ये वी से वी कैंसिल आउट हो गया इधर,
तो अब सेपरेटिक में हो गया, तो डी वी के साथ आ जाएगा 1 माइनस 2 वी स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 बाई x dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड पे टर्म है 1 माइनस 2 वी स्क्वायर, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ना ये आपकी इंटीग्रेशन की 7.4 x बन जाएगी, जिसमें ये आ रहा है 1 बाई 2, जिसको हम ले सकते हैं 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, और ये 1 बाई v स्क्वायर है, और इस साइड तो हमें पता है लॉग होगा, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो होता था हमारा 1 बाई 2, तो ये एज इट इज है फॉर्मूले में आता था 1 बाई 2 a, तो a तो 1 बाई रूट 2 है, फिर आता था लॉग ऑफ a प्लस एक्स, तो 1 बाई रूट 2 प्लस x अपॉन 1 बाई रूट 2 माइनस x, और राइट साइड पे लॉग x तो चल ही रहा था, ये रूट टू से 2 कट जाएगा तो रूट 2 बचेगा, हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया 1 बाई 2 रूट 2 लॉग 1 प्लस ये x की जगह v होगा क्योंकि ये फंक्शन v की टर्म्स में, 1 प्लस रूट 2 वी, और v की जगह पुट कर देंगे y बाई एक्स, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है 1 बाई 2 रूट 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट टू वाई अपॉन एक्स माइनस रूट टू वाई, और इधर हो गया लॉग एक्स प्लस सी, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब चले 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है हमारा ये, तो पहले ना मैं क्या करता हूँ डी एक्स से डिवाइड कर देता हूँ इसको, या इस टर्म को ना पहले उधर ले जाते हैं, इस टर्म को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे है एक्स डी वाई, उधर जब ले जाएंगे डी एक्स तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और डी एक्स, कॉमन ले लिया डी एक्स। अब डी एक्स को नीचे ले आएंगे तो हमारा डी वाई एक्स क्या बन गया, हम कहेंगे हमारा डी वाई बाई एक्स बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये क्लियरली ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं हम, ऑब्जर्व कैसे कर पा रहे हैं, देखो सबकी पावर सेम है, 1 पावर 1 पावर और रूट के अंदर 2 मतलब बाहर आके 1 हो जाएगी, क्योंकि रूट का मतलब स्क्वायर रूट होता है, नहीं तो आप यहाँ लिख देंगे कि वी ऑब्जर्व दैट, और करके भी दिखा देना एग्जाम में कि एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स के एक्स इक्वल कॉमा एक्स के वाई इज इक्वल टू हमारा फंक्शन आ रहा है, तो यस इट इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी एच डी ई है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसका सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, और फिर इससे डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी वाई बाई एक्स क्या आता है, यहाँ से इसका डेरिवेटिव आ जाता है वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स एज इट इज वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। अब हम ये दोनों टर्म पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारी लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, अब आप खुद ही क्लिक कर पा रहे होगे, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, वी की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आपको याद है मैंने बोला था इधर ना एक्स नहीं बचता, तो एक्स वाली टर्म कटेगी, देखते हैं कटते कि नहीं कटते। अब यहाँ से ना अंडर रूट से बाहर आओ, जब एक्स स्क्वायर लाओगे तो बाहर आके एक्स आ जाएगा, तो एक्स इससे भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर प्लस वी अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया, उसके बाद ये वी से वी कट जाएगा, तो उसको ले जाओगे इधर और फिर सेपरेट करोगे तो डी वी के साथ आ जाएगा नीचे अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 बाई x dx। सेपरेट करने का इंडिकेट कर देते हैं, इसका भी फॉर्मूला हमने ना 7.4 x में पढ़ा था अगर आपको याद हो, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है रूट में, तो इसका आंसर आता था लॉग ऑफ वी प्लस क्वेश्चन एज इट इज, और क्योंकि ये भी लॉग है लेफ्ट साइड पे भी लॉग एक्स आ रहा है, तो सी का भी लॉग सी ले लेते हैं, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया और लॉग से लॉग कट जाएगा, और वी की जगह ना मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ वाई बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर
इक्वल टू सी एक्स। सी एक्स क्यों होगा, क्योंकि इसको मैं लिख दूंगा लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए इंटू बी लॉग सी एक्स, और फिर लॉग से लॉग कट जाएगा। अब इसमें ना एक और चीज़ कर सकते हैं आप, हाँ एक चीज़ कर सकते हैं और कि ना, अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में ना एक्स आ जाएगा क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर आके एक्स, और एक्स पूरा एलसीएम हो जाएगा और उस एक्स को उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट ज़रूरी नहीं ऐसा करना, आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हो और ये भी हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस चल रही है, अब आपको समझ आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलर चल रहे हैं, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी पहले आप डी वाई डी एक्स निकालो। तो हमने ये जो टर्म है, क्योंकि डी एक्स है ना लेफ्ट साइड, तो डी एक्स को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आता है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे एक वाई भी है, ये स्किप ना हो जाए आपसे, और इधर एक्स है। तो हमारा डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा, हमारा डी वाई डी एक्स आएगा, क्योंकि ये टर्म ऊपर रहेगी तो वाई से मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, उसके बाद अपॉन में आ जाएगा हमारा, ये एक्स से मल्टीप्लाई करके ले आता हूँ मैं यहाँ पे, वाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। अब ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चाहो तो शो कर सकते हो, इसको करना चाहो तो इसको आप एक्स वाई मान लो, और एफ ऑफ एक्स के एक्स कॉमा के वाई निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा के एक्स, ये आ जाएगा के वाई, यानी के स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे के वाई अपॉन के एक्स, के से के कट जाएगा तो वाई बाई एक्स, यहाँ पे आएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन के वाई बाई के एक्स तो वाई बाई एक्स, यहाँ पे के एक्स के वाई तो के स्क्वायर आ जाएगा एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी के वाई अपॉन के एक्स करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर भी आएगा, के स्क्वायर भी आएगा। अब के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सबसे कट गया के स्क्वायर कॉमन कट गया, तो आप देखोगे ये तो सेम फंक्शन बन गया, तो हम इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चे। अब इसको शो कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, और जब वाई को वी एक्स पुट किया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब राइट साइड पे क्या आएगा, देखिए एक बार, हमारा राइट साइड पे था एक्स वाई, तो एक्स वाई, वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर कॉस वी, क्योंकि वाई बाई एक्स को वी पुट कर रहे हैं, फिर आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी, और नीचे आएगा हमारे पास वी एक्स और एक्स वी एक्स स्क्वायर साइन वी, वी एक्स स्क्वायर साइन वी माइनस, यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर कॉस वी। अब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दो, क्योंकि इधर कभी एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, आप इस वी को उठा के उधर ले जाओगे, सेम सब चल रहे हैं अगर आपको याद हो तो, एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखिए ना क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट दिखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आ गया। और माइनस वी आएगा, क्योंकि वी उस साइड प्लस का था, तो माइनस वी आएगा, तो v कैसा ना एलसीएम ले लिया मैंने, तो माइनस वी जब आएगा तो माइनस वी इंटू साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी हो जाएगा। तो आप देखोगे ये टर्म कट गई, और अब सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, वी साइन वी माइनस कॉस वी
और उधर ना वी कॉस भी दो बार था, तो नीचे आ जाएगा टू वी कॉस भी, डी वी इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स, और फिर सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इस ब्रैकेट को अलग अलग करेंगे तो देखना क्या होगा, देखो वन बाई टू तो बाहर है, वी साइन वी बाई वी कॉस वी करोगे तो वी से वी कट जाएगा, बच जाएगा साइन वी बाई कॉस वी यानी टेन वी, यहाँ पे कॉस वी से कॉस वी कट जाएगा, बच जाएगा वन बाई वी, और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आ गया डी एक्स। अब आपको पता है टेन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन वी का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, टेन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक वी या फिर माइनस लॉग कॉस वी। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉग सेक वी, और वन बाय वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग वी, तो इसको लिख देते हैं लॉग वी, और वन बाय एक्स का लॉग एक्स, और राइट साइड पे साथ में लॉग सी वे कर दिया ताकि सब लॉग में आ जाएगा। अब एक तरीका या तो वी की वैल्यू पुट कर दो वाई बाय एक्स, ठीक है, नहीं तो इसको और सिंपलीफाई करना चाहो तो क्या कैसे कर सकते हो, देखो ये बन जाएगा लॉग सेक वी अपॉन वी, और इधर बन जाएगा लॉग सी एक्स, और ना इस टू को मैं उठा के इधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा लॉग सी एक्स इंटू टू, टू पावर चला जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग सी एक्स स्क्वायर, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या रिजल्ट आ गया देखें, हमारे पास आ गया सेक वी, वी की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई बाय एक्स, यहाँ पे भी वाई बाय एक्स है, और इधर हो गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको जब उधर ले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेक वाई बाय एक्स, सी स्क्वायर को किसी नए कांस्टेंट ए से रिप्लेस कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर को जब वाई बाय एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स कट जाएगा तो वाई एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो है, इसका एक और तरीका, सेक को वन बाय कॉस लिख के इस साइड भी ला सकते हो, ठीक है ना, तो इसका ये भी आंसर आ सकता है कि ए को इधर ले आए वन बाय हो गया और उसको किसी नए कैपिटल सी से डिनोट कर दिया, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि शो करो इसका आंसर ये है, तब भी उस केस में डरने वाली बात नहीं है, हमने सेक को लिखा वन बाय कॉस, कॉस को वाई एक्स के साथ ले गए और ए को इधर ले आए और वन बाय ए को किसी नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया, तो ये भी आंसर ठीक है और ऊपर वाला भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है बच्चे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं, ये वाला, ये भी जो है एट्थ क्वेश्चन वैसे सारे सिमिलर है, एट्थ पे आप इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक बार आप खुद ट्राई करके देखना इन क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन करते हैं, एट्थ क्वेश्चन के अंदर फॉर्म तो वही दिख रही है, तो हमें पहले क्या करना है, डी बायोटिक्स निकालना है, तो डी बायोटिक्स जब हमने निकाला तो ना पहले माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया, फिर ये माइनस एक्स साइन वाई बाय एक्स हो गया, और जो डी बायोटिक्स के साथ एक्स था वो इधर चला गया दोनों के नीचे, तो ये मेरे पास हो गया वाई बाय एक्स माइनस साइन वाई बाय एक्स। अब क्लियरली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये फंक्शन हमारा y बाय x की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये होमोजीनियस है, नहीं तो आप इसको शो करके दिखा सकते हैं दूसरे तरीके से, कैसे, x को kx पुट करोगे, y को ky और सॉल्व करके दिखा दोगे सेम आ रहा है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसे सॉल्व करते हैं, लेट y इक्वल टू वी एक्स, और फिर इसका डेरेटिव लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और फिर हमारे पास देखते क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये जो ऊपर इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई बाई एक्स की जगह v बन जाएगा और इसकी जगह बन जाएगा साइन v, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, देखो कैसे v से v तो कट ही गया डायरेक्ट, सेपरेट करेंगे तो वन बाय साइन v आ गया, वन बाय साइन v होता है बेसिकली कॉसेक v, अब कॉसेक वी का इंटीग्रेशन आपको पता क्या होता है, कॉसेक वी का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ कॉसेक वी प्लस कॉट वी, ठीक है, अब कैसे होता है वो आपको पता होगा, नहीं तो आपने ये फॉर्मूला मैंने करवाया होगा, ये प्रूफ भी करवाया था आपको, आप एक बार देख लेना इसको, और ये लॉग सी हो गया, इसको भी लॉग सी ले लेते हैं, ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कर दो, आप सिर्फ v की वैल्यू पुट कर दो, और नहीं तो इसको और सिंपलीफाई करने का तरीका बताता हूँ मैं, आप क्या करो माइनस को इधर ले आओ, ठीक है, माइनस को इधर ले आए तो ये बन गया आपके पास लॉ
कॉसेक वाई बाय एक्स प्लस कॉट वाई बाय एक्स, इसको माइनस इधर लाए तो बन गया लॉग एक्स माइनस मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है ना, लॉग एक्स माइनस लॉग ए हो जाएगा। या एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको माइनस ले लो क्योंकि कॉन्स्टेंट तुम कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको माइनस लॉग ए ले लिया, माइनस जब इधर लाओगे तो लॉग ए इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये लॉग ए इंटू एक्स हो गया, लॉग से लॉग कट गया, तो हमारा आंसर आ गया कॉसेक वाई बाय एक्स प्लस कॉट वाई बाय एक्स इक्वल टू ए एक्स। अब जरूरी नहीं आपको स्ट्राइक करके माइनस लेना, आप प्लस ले लोगे तो उसके इसमें एक्स बाय ए आ जाएगा और वन बाय ए को कोई नया कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं करने के। तो एक यहाँ पे सिर्फ नई चीज़ आई है हमारे पास कि कॉसेक का इंटीग्रेशन हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस लॉग ऑफ कॉसेक वी प्लस कॉट वी, या फिर लॉग ऑफ कॉसेक वी माइनस कॉट वी, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है, तो आप इसको रिवाइज कर लोगे। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑलमोस्ट खत्म है, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, और प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।